दोस्तों, अक्सर हमें फिल्मों में काम करने वाले कलाकारों की जिंदगी रंगीन और बेहद ही खुशमिजाज सी लगती है, लेकिन फिल्मों में काम करने वाले सभी कलाकारों की जिंदगी खुशहाल नहीं होती है। हमें पर्दे पर तो वो बिल्कुल मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन असल में वो अपने पीछे दर्द और गम को छुपाए रखते हैं। आज हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं, वो फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों में तो बसी रही, लेकिन उसका अपना दिल शादी के बाद भी खाली सा रहा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 70 के दशक की मशहूर अदाकारा रीना रॉय के बारे में, जिन्होंने अपने अभिनय से सभी लोगों को खुशियां तो बांटी, लेकिन उनकी ही जिंदगी गमों से भरी रही। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और निजी जीवन से रूबरू तो कराएंगे ही, साथ में उनके जीवन की वो दर्द भरी दास्ता को भी बताएंगे जिससे शायद आप भी अनजान हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। 7 जनवरी साल 1957 को हिंदू माँ और मुस्लिम पिता के घर जन्मी रीना का असली नाम रीना नहीं है, उनका असली नाम सायरा अली है। उनके माता पिता के बीच तलाक होने की वजह से उनकी माँ ने उनके भाई बहनों के साथ उनका भी नाम बदल दिया और उनका नाम रूपा रॉय रख दिया, लेकिन फिल्मों में आने के बाद वो रूपा से रीना रॉय बन गई। अगर गहराई से देखा जाए तो उनका बचपन भी कुछ खास नहीं बीता। हालांकि बेहद खूबसूरत दिखने वाली रीना को फिल्मों में आसानी से काम मिल गया। उनकी पहली फिल्म नई दुनिया नए लोग होने वाली थी, लेकिन इस फिल्म को बंद कर दिया गया और बाद में रिलीज किया गया, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। इसलिए मुख्य रूप से साल 1972 में उन्होंने बीआर इशारा की फिल्म जरूरत से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। ये उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्हें विजय अरोड़ा के साथ अभिनय करने का मौका मिला। इस फिल्म में डैनी डेंगजोंगपा भी शामिल थे। आपको बता दें कि इसमें उन्हें बतौर मुख्य अभिनेत्री के रूप में लिया गया था। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन रीना को आगे भी फिल्में मिलती गईं। उसी साल उनकी दूसरी फिल्म भी रिलीज हुई, जिसे बीआर इशारा द्वारा ही निर्देशित किया गया था। उस फिल्म का शीर्षक था मिलाप। इस फिल्म का एक गाना काफी लोकप्रिय हुआ, जिसका नाम है कई सदियों से कई जन्मों से। कई सदियों से कई जन्मों से। उसके बाद उनकी तीसरी फिल्म रिलीज हुई जिसका शीर्षक है जंगल में मंगल। ये फिल्म भी साल 1972 में ही रिलीज हुई थी। नई दुनिया नए लोग उनकी चौथी और जैसे को तैसा उनकी पांचवी फिल्म साबित हुई। 70 का दशक उनके लिए काफी सुनहरा रहा, क्योंकि इसी दौर में उन्हें काफी फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला, साथ ही कई दिग्गज अभिनेताओं के साथ भी काम करने का मौका मिला। इस दौर में उन्होंने मदहोश, वरदान, जख्मी, बारूद, नागिन, कालीचरण, जय विजय और जानी दुश्मन जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। इसके अलावा फिल्म नागिन में उनके शानदार अभिनय की खूब सराहना हुई और उन्हें नॉमिनेशन भी प्राप्त हुआ। साल 1977 में आई फिल्म अपनापन में उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया था। ये एक ड्रामा फिल्म थी जिसे जे ओम प्रकाश द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। इस फिल्म में वो अभिनेता जितेंद्र के साथ दिखाई दी, जिसमें संजीव कुमार, सुलक्षणा पंडित और इफ्तकार जैसे कई कलाकार भी शामिल थे। इसके गाने दर्शकों को काफी पसंद आए, साथ ही ये फिल्म भी दर्शकों को काफी पसंद आई। ये फिल्म रीना की पहली और एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसमें शानदार अभिनय के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। 80 के दशक में भी उन्होंने काफी फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन यहां से उनके अभिनय करियर का ग्राफ धीरे धीरे गिरता गया। कहा तो ये भी जाता है कि पैसों के लिए उन्हें इंटीमेट सीन्स भी करने पड़े थे। खैर, यहाँ से उनकी लोकप्रियता घटी नहीं, लेकिन उन्हें मुख्य रोल कम ही मिलते थे। 1980 में आई फिल्म आशा भी उनके लिए काफी अच्छी रही, जिसमें उन्होंने एक बार फिर जितेंद्र के साथ अभिनय किया। इसके बाद साल 1984 में आई फिल्म राज तिलक भी उनके लिए काफी अच्छी रही। हालांकि इसमें उन्होंने सहायक भूमिका निभाई थी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसके बाद वो फिल्मों में काफी कम नजर आने लगी, क्योंकि वो अपनी घर गृहस्थी में बिजी रहने लगी थी और साल 2000 के बाद उन्होंने तो फिल्मों में काम करना ही बंद कर दिया। उनकी आखिरी फिल्म का नाम है रिफ्यूजी, जिसमें उन्होंने सहायक भूमिका निभाई है। हालांकि उनके चाहने वाले आज भी उन्हें पसंद करते हैं। दोस्तों, उनके निजी जीवन की बात करें तो उनका निजी जीवन कुछ खास अच्छा नहीं घटा है। उन्हें अपने निजी जीवन में दुख और तकलीफों के अलावा और कुछ नहीं मिला, न प्रेमी का साथ मिला और न ही पति का अटेंशन। वैसे उनके पति और उनकी शादी के बारे में जानने से पहले चलिए उनकी जिंदगी की प्रेम कहानी को जान लेते हैं। दरअसल जब वो 19 साल की थी, तभी उन्हें अभिनेता शत्रुघ्न के साथ काम करने का मौका मिल गया था, जो उनसे उम्र में 11 साल बड़े थे। कई फिल्में साथ में करने के बाद दोनों करीब आ गए
और दोनों में गहरी दोस्ती के बाद एक दूसरे से प्यार भी हो गया। कहा जाता है कि सबसे पहले रीना को ही उनसे प्यार हुआ था। वो उनके प्यार में पड़ने से खुद को रोक नहीं पाई और उन्हें दिल दे बैठी। खैर, धीरे धीरे उनके प्यार के बारे में लोगों को पता चलने लगा। यहाँ तक कि जब रीना के माँ को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि वो शत्रुघ्न से दूर रहें, लेकिन वो नहीं मानी। साल 1981 वो साल था जब लोगों को लगने लगा कि शत्रुघ्न और रीना एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। तब शत्रुघ्न और उनकी पत्नी पूनम के शादी की बात काफी तेजी से फैलने लगी। रीना ने कभी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि शत्रुघ्न किसी और से शादी कर लेंगे। खैर, उन्होंने पूनम से शादी कर लिया और शादी के बाद भी वो रीना से बात करते रहे। आपको बता दें कि पूनम को देखने के बाद शत्रुघ्न को तुरंत ही उनसे प्यार हो गया था, जैसे कि रीना को उनसे हुआ था। आखिरकार रीना को ही पीछे हटना पड़ा और फाइनली उन्होंने साल 1983 में मोहसिन खान से विवाह कर लिया, जिनसे उन्हें एक बेटी भी हुई। वैसे हम उनकी बेटी के बारे में आगे बात करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि मोहसिन खान कौन है। आपको बता दें कि उनके पति एक पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ साथ एक्टर भी थे। शादी के समय दोनों ही अपने अपने करियर के पीक पर थे। इसके अलावा शादी के कुछ सालों तक दोनों का रिश्ता काफी अच्छा चला। आपको जानकर हैरानी होगी कि रीना से शादी करने के बाद ही मोहसिन एक्टर बने। रीना ने अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर अपने पति को कई बॉलीवुड फिल्मों में काम दिलाया। कुछ समय बाद उनके पति और उनके बीच माहौल बिगड़ता गया, क्योंकि उनके पति हमेशा के लिए लंदन में शिफ्ट होना चाहते थे, वो भी ब्रिटिश की नागरिकता के साथ। लेकिन रीना इसके लिए राजी नहीं थी। उन्हें वहाँ के लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में काफी परेशानी हो रही थी। उन्होंने अपनी शादी को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन समय के साथ रिश्ते में दरार आता गया और 90 दशक के शुरुआत में दोनों के बीच तलाक हो गया। उसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर इंडिया आ गई और यहीं रहने लगी। हालांकि शुरुआत में उन्हें अपनी बेटी को अपने पास रखने के लिए काफी कानूनी दावपेच खेलना पड़ा। उन्होंने अपनी बेटी का नाम जन्नत खान से बदलकर सनम खान कर दिया। उनके पिता सादिक अली एक छोटे कैरेक्टर के एक्टर थे, जबकि उनकी माँ शारदा रॉय भी अभिनेत्री थी। वो काफी थोड़े समय के लिए अभिनेत्री रहीं और फिर उन्होंने बाद में एक फिल्म निर्माता के रूप में भी काम किया और गुनहगार कौन फिल्म को प्रोड्यूस किया। वैसे हमने वीडियो के शुरू में ही उनके माता पिता के बारे में जिक्र किया था। रीना की बहन का नाम बरखा रॉय और अंजू रॉय है, जबकि उनके भाई का नाम राजा रॉय है। बरखा रॉय एक बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर है। इसके अलावा उनके भाई और बहन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिल्मों में उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। वो कहते हैं ना कि अक्सर जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। ठीक रीना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। फिलहाल वो मुंबई में अपनी बेटी के साथ एक एक्टिंग स्कूल चलाती हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो किया है वो काबिले तारीफ है और उनकी योगदानों के साथ ही फिल्मों की यादों को नहीं भुलाया जा सकता है। खैर, अब वो 66 साल की हो चुकी हैं और फिल्मों से दूर अपनी बेटी के साथ खुश हैं। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी अंसुरी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।